लॉकडाउन लग गया है और फिर से अफरा तफरी हो गई है। 7 दिनों का लॉकडाउन इन भोपाल। अभी हम हैं केवियर हॉस्पिटल में और मम्मी की हो गई तबीयत ख़राब और अभी हम उनका कोविड टेस्ट करा रहे हैं केवियर हॉस्पिटल से। अभी देखते हैं यहाँ पे भोपाल में फिर से लग गया है लॉकडाउन और ये ऐसा लग रहा है कि 2020 वर्जन 2 है। और अभी हम घर से झाड़ू पोछा करके जा रहे हैं कैरियर कॉलेज, मतलब कैरियर हॉस्पिटल है उसमें, करियर हॉस्पिटल वो सब कैरियर बोलते तो करियर हॉस्पिटल जा रहा हूँ मैं। मम्मी की तबीयत अभी 2-4 दिन से ख़राब थी तो हमने वहाँ पे टेस्ट वेस्ट करवाया अभी, तो उसी की रिपोर्ट लेने आ रहा हूँ मैं। तो बस, और बाकी अभी सैटरडे मैंने कोई वीडियो भी नहीं डाला क्योंकि कहीं मैं गया ही नहीं, और एक दो जगह मैं गया था तो फिर वहाँ का मतलब मन नहीं किया डालने का, थोड़ा वैसे ही अब लॉकडाउन के नाम से थोड़ा कि अपन वैसे ही लो हो जाते हैं थोड़े ऐसा। और बाकी अभी अपन जा रहे हैं अभी अवधपुरी से, अभी जाते वक्त पुलिस ने पूछा कि भाई क्यों जा रहे हो, तो उनको बताया कि अभी वही मम्मी की रिपोर्ट लेने आना है, तब जाने दिया। बाकी अभी 2-4 दिन से तो इतना पूछ नहीं रहता, आज पूछ रहे सबसे कि क्यों जाना है। और जो लोग शेयर कर रहे थे ना मीम कि भैया 2020 में ऐसा था, क्या दिन थे, तब देख लो दिन वापस आ गए और कर लो शेयर, अपन ने भी किया था वैसे। और देख सकते हैं वापस से भोपाल में सुनसान सा माहौल हो गया है। और हमारे शिवराज सिंह चौहान जी ने बोला है कि लॉकडाउन नहीं है, सब कुछ बंद नहीं रहेगा, कुछ चीजें खुली हुई हैं जैसे कि दूध और ये सब और किराने की दुकानें, ये सब खुला है, बाकी सब बंद है। मेडिकल शॉप्स तो हमेशा ही खुली रहेंगी। खोली खोली सा। अरे और जो मेन किस्सा था जिसके लिए मैं आपको बताना चाह रहा था, अभी क्या हुआ, कल मैं हॉस्पिटल गया एक, और वहाँ पे हमने सोचा कि मम्मी का कोरोना टेस्ट भी करवा लेते हैं, तो वहाँ पूछे कोरोना टेस्ट वाला कहीं बैठा था नहीं, मतलब वो बोल रहे थे हॉस्पिटल से नहीं हो रहा है, लेकिन वहाँ पे एक बंदा घूम रहा था बोल रहा था वो टेस्ट कर रहा है, तो हमने ठीक है उसी से कब बोल देते हैं, तो हमने उससे बोला कि भाई के टेस्ट करवाना है, तो उसका बोलते ठीक है भैया 1200 रुपये लगेंगे। मैंने ओके, बोलता है बिल नहीं मिलेगा, पर मैंने बोला अच्छा, मैंने कौन सी लैब से करवा रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि कोई ऐसी लैब नहीं है, जो लैब कर दे हम उनको दे देते हैं और वहाँ से हम ले आते हैं करके। बोला तो बिल क्यों नहीं मिलेगा, बिल दे दो जो उनसी लैब से करा रहा हूँ। बोलते नहीं भैया बिल नहीं मिल सकता ऐसा वैसा, और मैंने बोला अच्छा घर से घर पर आके चेक करने के कितने चार्जेस हैं, तो घर पर आके चार्ज कितने 1300 रुपीज थे। मतलब बाप रे, मतलब ऐसा लग रहा है कि ऐसे कि वो ब्लैक में हम चेक करवा रहे हैं कि कोरोना टेस्ट का कोरोना है कि नहीं, बहुत ही दिक्कत है। और मेरा एक फ्रेंड है उसकी मॉम तो एडमिट ही हैं, उनको कोरोना आया, पॉजिटिव आई वो, तो बाकी इतना भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इनिशियल स्टेज पर पता चल जाता है कि आपको कोरोना है तो दवाई ववाई मिल जाती है, तो आप घर में ही दवाई खा के ठीक हो जाते हो। मेरा एक फ्रेंड था जिम का, वो उसको अभी मेरे उससे बात हुई तो उसने बताया कि उसको भी कोरोना हो गया था, बाकी उसको सिम्टम्स आए तो उसने टेस्ट कराया पॉजिटिव निकला, बताया डॉक्टर्स गया, डॉक्टर ने दवाई दी 3 दिन की और ठीक हो गया वो। लॉकडाउन सही है कि लॉकडाउन सही नहीं है, लॉकडाउन के अलावा ही कुछ करें। तो अभी मैंने हॉस्पिटल से रिपोर्ट ले ली है
और जो रिपोर्ट आई है वो नॉर्मल आई है। एक सीआरपी टेस्ट होता है, तो उससे क्या पता चल जाता है आपको कोई इन्फेक्शन है कि नहीं है। अगर आपको इन्फेक्शन आता है तो फिर आप करवाइए उसमें अपना सीटी स्कैन, और सीटी स्कैन में पता चल जाता है कि कितना लंग्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो फिर आप मतलब सीटी स्कैन और जो कोरोना टेस्ट हो तो साथ में ही करवा लो आप। ऐसा है, साइड से गाड़ी आ रही थी, ऐसा तो पापा का सीआरपी टेस्ट करवाया वो नॉर्मल आया, और मम्मी का सीटी स्कैन भी नॉर्मल आया, तो कोई कोविड के सिम्टम्स तो नहीं है। तो अब देखो, अगर हमें भी अगर लगेगा कुछ तो हम भी अपना सीआरपी टेस्ट करवा लेंगे, क्योंकि अगर आप थोड़ा पहले ही अपना टेस्ट वेस्ट करा लो तो क्या थोड़ा प्रिपेयर रहता है कि हाँ कि अभी नहीं हुआ हमें, अगर कोई भी सिम्टम्स लग रहा है आपको तो अपना कोरोना टेस्ट करा लें। और अभी कोरोना टेस्ट में मैं कल गया था एक पैथोलॉजी लैब वाले में, मेट्रोपोलिस नाम था उनका, शायद पता नहीं क्या नाम था, तो उन्होंने बताया कि 4 दिन लगेंगे। अगर आप आज टेस्ट करवाओगे तो 4 दिन बाद रिपोर्ट आएगी। इतनी वेटिंग चल रही है, अब देखते हैं कैसा। चलो, घर वालों का तो नॉर्मल आया, मेरी मम्मी बहुत टेंशन में थी, हम लोग भी थोड़ी टेंशन में थे, लेकिन मम्मी ज़्यादा टेंशन में थी। चलो ठीक है, अब नॉर्मल आई है रिपोर्ट्स। तो बाकी ट्रीटमेंट तो हमने पहले ही चालू कर दिया था, कोरोना की टैबलेट्स उन्होंने पहले दे दी थी कि आपको कहीं कोरोना टेस्ट आने में टाइम लगेगा तो अभी से आप अपना इलाज चालू कर दो, अगर कोई कोरोना होगा तो मर जाएगा, नहीं होगा तो भी ठीक है। और अभी डॉक्टर रेड्डी ने भी निकाल दी है रशियन की जो वैक्सीन है उसके साथ स्पुतनिक V, ऐसा। तो अब इंडिया में 3 वैक्सीन्स हो जाएंगी, 2 ऑलरेडी हैं कंपनीज की, उसका मुझे नाम याद नहीं है अभी, और बस यही है। अगर आपके वैक्सीन वैक्सीन्स लगवा लें घर वालों को अपने, बस बाकी तो जिसको लगवाना वो लगवाए अपनी अपनी मर्जी। और देख सकते हैं पूरा खाली है अपना, और ये सुनसान रास्ते वापस से हो गए हैं। चलो, एक सब्जी वाले लगे हैं यहाँ पे, अवधपुरी में किसी सब्जी चाहिए तो इनके यहाँ से ले ले। देख सकते हैं अभी दोपहर के 1:30 हो रहा है और एकदम खाली है। पिछले साल ये सब देखा था तो एकदम बहुत ही अलग सीन थे, सोचा नहीं था कि वापस ऐसे सीन होंगे। बस यहीं तक हम समाप्त करते हैं अपने व्लॉग को, कि आगे आ रही पुलिस को दिखाता हूँ। Thank you.